बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए बड़ी खबर, अब सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है तो पंजाब में चुनाव होना है। अब क्या करवट लेती है, देखिए कांग्रेस पार्टी में लगातार इस्तीफे का दौर चल रहा है। पहले तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और अब नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनिया गांधी को पत्र भेजा है। हालांकि आपको बता दें, जब अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था तो ये साफ तौर पर कहा गया था आलाकमान की तरफ से कि अब पंजाब जो चुनाव है उसकी पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब इसके पीछे और कितनी सियासत होगी। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और आपको यह बता दें कि आज चंडीगढ़ से करीब 3:30 बजे निकलने वाले अमरिंदर सिंह और मुलाकात हो सकती है गृह मंत्री अमित शाह से। और आपको यह भी बता दें कि अमरिंदर सिंह को सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें तो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो देखिए किस तरह से लगातार इस्तीफों का दौर। एक तरफ आप ये समझिए, ये बड़ा सवाल है कि जब अमरिंदर सिंह थे पार्टी में तब नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच जो तनातनी मची थी, और आपने देखा कि सीधे तौर पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जाए तो मैं पूरी तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। और अब आपको बता दें बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनिया गांधी को पत्र भेजा है। ये देखिए कि पिछले 6 महीने के दौरान, खास तौर पर जब से दिल्ली पंजाब के एमएलए से इकट्ठे होके पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं, कभी सीएलपी की लीडर की लीडरशिप मीटिंग की बात करते हैं, शिकायतें लेके पहुंचते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू सभी के सिग्नेचर्स करवा के दिल्ली पहुंचते हैं, तो दिल्ली एक ऑफिस बन गया था पंजाब के, पंजाब की इंटरफेरेंस में, पंजाब के कांग्रेस को चलाने के लिए। वो ग्रेजुअली इतना स्ट्रांग हुआ, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ये समझते थे कि जब उनको प्रधान बना दिया गया है तो उन्हें ओवरऑल चार्जेस मिल गया है और वो जो मर्जी जिसको मर्जी बदल सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप पिछली तस्वीरें भी देखें तो वो चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को भी जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग या जहाँ पे भी लेके जा रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने होल्ड करके दिखा रहे, वो उसका ये शो हो रहा था सीधे तौर पर के नवजोत सिंह सिद्धू हावी हो रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को सेंटर हाई कमांड से बार बार इंस्ट्रक्शंस भी आ रही थी, जो उन्होंने कुछ बदलियां की या डीजीपी चेंज किए, डीजीपी नए लगाए, एडवोकेट जनरल जिसको लगाया जी, लीकेज हुई उन नामों की। इसी तरह मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू इस बात से भी शुभ थे जी। हमारे साथ अमित भारद्वाज भी, तो लगातार आपको अपडेट दे रहे। देखिए सवाल ये उठता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मैं हमेशा एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहूंगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी उसके बाद अब ये इस्तीफा दिया गया है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से इस्तीफा सौंप दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, और अहम सवाल आखिर क्यों। रंजीत सिंह चन्नी को जो है नवजोत सिंह सिद्धू लेके आए हैं, तो जिस तरह से अभी जो है चीज़ें पर जिस तरह से परिपेक्ष में आ रही थी, उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। और हो सकता है क्योंकि जो अभी कैबिनेट बनी हो सिद्धू की नापसंद बनी हो, तो सिद्धू के जो लोग करीबी हों उनको ना लिया गया हो, इस तरह की कोई चीज़ें ऐसे फ्लोट हो रही हैं सियासी गलियारों में पंजाब के, तो हो सकता है कि उससे भी नाराजगी हो, या ऐसा लग रहा हो कि चरणजीत सिंह चन्नी बन गए तो अब मुझे जो है शायद वो जो वैल्यू नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने पुरजोर कोशिश की, अमरिंदर को बाहर भेजा, अमरिंदर के जाने से कांग्रेस को नुकसान है ये वो समझती है, लेकिन अमरिंदर को लाने के लिए भी जो है वो उनको ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि अमरिंदर मान जाए और चरणजीत सिंह चन्नी की मदद करें। हालांकि हर लोग जिस तरह से अभी पीछे बयानबाजी भी हुई थी और जाखड़ भी नाराज थे जिस तरह से कि चरणजीत सिंह चन्नी को अपने तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात की सुनील जाखड़ ने, तो उन्होंने
उन्होंने यही कहा था कि अब वो बन गए हैं तो उनको पूरा चार्ज दे दीजिए, उनको जो है मोटिवेट भी करिए और उनकी हेल्प करिए कि वो आगे तक जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सामने आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सिद्धू को नहीं पूछा जाएगा, तो वो हो सकता है चीज़ें सामने आए और सिद्धू इससे खफा हो। अभी आधिकारिक कोई सिद्धू का बयान नहीं आया, सिर्फ उन्होंने कहा कि मैंने रिज़ाइन कर दिया और कंटिन्यू करूंगा मैं कांग्रेस को जो सर्व करता रहूंगा। और जिस तरह से चन्नी अब डिसीजन ले रहे हैं बहुत पेस में है, उनको मालूम है कि अगर लोगों के लिए काम नहीं किया तो फिर जो है स्थिति कांग्रेस की और खराब होगी। और अब वो किसी की कमांड नहीं चाहते, अब वो चाहते कि लोगों की कमांड हो, इसलिए जा जाके लोगों से मिल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अभी सारा बैलेंस बनाया हुआ है, देखिए यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों, क्योंकि एक तरफ ये समझिए पंजाब की राजनीति की बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दो धरा, और नवजोत सिंह सिद्धू यहां कामयाब भी होते हैं। अमरिंदर सिंह ने तो सीधे तौर पर कहा कि देखिए मुझे किस तरह से दरकिनार किया जाता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब दूसरी तरफ आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी से इस्तीफा सौंप देते हैं, और आपको ये भी बता दें कि इस पर औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने कि उन्होंने क्यों